हरियाणा में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला टोहाना शहर से सामने आया है, जहां रतिया रोड पर दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर कार सवार को लूट लिया। लुटेरों ने इस दौरान सबसे पहले कार सवार युवक की आंखों में मिर्ची का पाउडर डाला और फिर उसे गोली मारकर कार समेत 11 लाख की नकदी व 2 मोबाइल फोन लूटकर 9-2-11 हो गए। घटना भैया, मैं अनाज मतलब मैं घर से निकला था, सीधा मतलब अनाज मंडी के पास रुका था मैं, 10-15-20 मिनट के लगभग वहाँ खड़ा था। तो मतलब 3 लड़के आए थे भैया गाड़ी के, थोड़ा सा मतलब 1.5 फुट का बीच चौ, उसने आगे रोक दी। तो बोले वो झुंडला का रास्ता जाएगा क्या? तो मैंने बोला ना भैया ये तो कुलां जाएगा। तो उन्होंने मेरे थोड़ा सा शीशा खोला, मैंने जैसे 4 कांगड़ मतलब उन्होंने मेरे मिर्च का पैकेट था पूरा का पूरा वो मारा अंदर, और मारती मिर्च और उसने फायरिंग कर दी मेरे पास, वो मेरे इस बाजू पे लगी थी वो। फिर मैंने हाथ जोड़ के बिल्कुल भैया मत दूसरी मत चलाना, आप जो कुछ भी आपको लेके जाना वो ले जाओ, मैंने तक्की खोल दी थी, अगर नहीं खोलता तो भैया वो दूसरी तीसरी 3-4 गोली चलाते वहाँ पे। मैंने हाथ जोड़ के भैया उसको सारी चीज़ें मैं जो भी आपने लेके जाना मेरे को छोड़ दो भैया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बस। फिर मैं जैसे उधर के भैया उधर वापसी भाग गया, टोहाना की तरफ आ गया था, वो गाड़ी भी उधर लेके गए। फिर तो क्या कुछ छीन के ले गए आपसे? वो भैया मेरे 2 मोबाइल थे लगभग 11 लाख के लगभग मेरे पैसे थे उसके अंदर, गाड़ी भी साथ में ले गए, गाड़ी भी लेके गए साथ में। तो मुंह ढका हुआ था? एक का नहीं ढका हुआ था। कितने लोग थे? 3 थे जी भैया। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मैं घर से निकला था भैया, मेरा मतलब आगे से कोई संपर्क होने वाला था, कोला और जाकल जाना था मैंने, वो 15-20 मिनट मेरे को टाइम इसलिए लग गया था वहाँ पे, आगे जाना था, मेरा फोन चल रहा था वहाँ पे। हाथ पर गोली लगने से युवक मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए टोहाना के नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। लूट की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस लुटेरों की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही है। थोड़ी देर पहले ये पता लग गया था भी एक लड़के को किसी ने गोली मार दी है, और घटना स्थल पर पहुंचे, अभी डिटेल में बाद में बता देंगे। कोई पैसे की भी लूट हुई है जी? सुनने में ये आया था 11 लाख गाड़ी में थे, और सीसीटीवी कैमरे में देखा तो कम से कम 40 मिनट यहाँ गाड़ी खड़ी रही। लूट करने वाले कितने व्यक्ति बताए गए? मोटरसाइकिल पे आए थे जिसमें 3 लड़के थे। कोई व्यक्ति भी घायल हुआ है जी जिसको गोली मारी गई है? गोली लगी है, अभी जांच कर रहे हैं। बता दें कि कार सवार मोनू जाखल इलाके की तरफ जा रहा था, इसी बीच बाइक सवार 3 युवक उसे रोक कर रास्ता पूछने लगे, लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला तो युवकों ने उसकी आंखों पर मिर्ची पाउडर फेंक दिया और फिर गोली चलाते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना ने एक बार फिर से बदमाशों के बुलंद हौसलों को दर्शाते हुए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक लुटेरों को पकड़ने में कामयाब होती है। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।